والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب عرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة فإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن بہت مؤثر وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی جس سے دل ڈر گئے، سہم گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نصیحت الوداعی ہے، آپ الوداع کہنے کے طور پر ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اور مزید کوئی خاص بات ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت، اور ایسی وصیت جو الوداع ہونے والا شخص کہہ رہا ہے، یعنی جس کو تھامنا انتہائی ضروری سمجھ رہا ہے وہ، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی، اور امیر کی بات ماننے کی، اور اس کی اطاعت کرنے کی، اور اس کی بات کو تسلیم کرنے کی، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی تمہارا امیر ہو جائے۔ اور جو آئندہ زمانہ دیکھے گا تم میں سے، تو وہ اس بات کو دیکھے گا کہ بہت لوگوں میں اختلاف پایا جا رہا ہے، نظریات کا اختلاف، خیالات کا اختلاف، عمل کا اختلاف، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر تم لوگ میری سنت کو تھام لینا، میرے طریقے کو تھام لینا، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو تھام لینا، جو میرے بعد میرے نقش قدم پر چلنے والے خلفاء ہیں ان کے طریقے کو اختیار کر لینا۔ تو آپ کے بعد وہ خلفائے راشدین چار پانچ ہوئے ہیں جن کا آپ نے اشارہ فرما دیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور 6 مہینے تک حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، وہ بھی خلفائے راشدین ہی کے طرز پر تھی۔
उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी खिलाफत राशिदा ही को अपना बेस बनाया, वो भी खलीफा राशिद कहे जाते हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने वाले खलीफा। तो जो मेरे नक्श कदम पर हों मेरे खुलफा, उनकी राह पर था चलना तुम और मेरे मेरी राह पर चलना, मेरी राह पहचानने के लिए खुलफा राशिदीन के अमल से मदद मिल सकती है। और तुम नए नए मामलात जो पैदा होंगे, नई नई चीज़ें, नए नज़रियात, नए ख्यालात जो मेरी सुन्नत में नहीं मिले, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं मिले, उनसे गुरेज करना, उनसे दूर रहना, क्योंकि नई चीज़ जो दीन में जारी की जाती है वो गुमराही का सबब बनती है, गुमराही होती है। मेरा रास्ता हिदायत है और जो मेरे रास्ते के ख़िलाफ़ जो चीज़ ईजाद की जाएगी वो गुमराही है। तो ये हदीस बड़ी अहम हदीस में से है, इस्लाम की जो बुनियादें हमें को बताती हैं उन अहादीस में। सबसे पहली बात आपने जो इरशाद फरमाई अल्लाह के तकवे की बात, अल्लाह का तकवा यानी अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर, उसकी मर्जी को जानकर ज़िंदगी गुजारना, कि वो खुश रहे हमसे, कभी वो नाराज़ ना हो, कोई ख्याल भी हमारे दिल में आए तो भी हम सोचें कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ तो नहीं होगा, कोई कदम उठाएं तो अल्लाह नाराज़ तो नहीं होगा इससे, फूंक फूंक कर कदम उठाएं, कोई बात अपनी ज़बान से कहें अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो जाएगा इस बात से, यही चीज़ तक़वा कहलाती है। तो आपने ये बात फरमाई कि अल्लाह के तक़वे को अपनी ज़िंदगी का शियार बनाना। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि अमीर की इताअत करो, ये भी बड़ी अहम बात है। अमीर से मुराद खलीफा है हदीस में, कि खलीफा की इताअत करना और फिर उसी के हुक्म में जो छोटे उमारा होते हैं वो भी हैं, जैसे खलीफा तो पूरी दुनिया का है जो आजकल मैसर नहीं है, और जो मैसर न होने की वजह से सारे मुसलमान एक कसूर में मुब्तला है, एक कमी और कोताही है जो उनकी तरफ से वाक़ है, जिसमें सारे मुसलमान मुब्तला है, एक समझ लीजिए गुनाह है वो अमीर का ना होना, इसमें सारे मुसलमान मुब्तला है, कोई खलीफा मुस्लिमीन उनका नहीं है, वाजिब है, फ़र्ज है मुसलमानों का खलीफा होना। तो बहरहाल उसकी इताअत करने का आपने हुक्म दिया था कि अगरचे हबशी गुलाम ही बन जाए, तो ये मिसाल के तौर पर आपने बात बताई थी, हबशी गुलाम ही बन जाए, वरना तो गुलाम खलीफा होता नहीं, आज़ाद ही होता है खलीफा। लेकिन ये आपने बताई कि अगर वो भी बन जाए तो भी इताअत करना, ये मत कहना कि ये तो हमसे दर्जे में छोटा है, वरना तो खलीफा आपने फरमाया कुरैश के लोग होंगे, कुरैश के लोग तो वो तो उसके लिए शर्त है, लेकिन आपने मिसाल देकर फरमाया था कि अगर कभी कुरैशी ना भी हो तब भी अमीर बन गया तो इताअत कर लेता। फिर छोटे उमारा जो होते हैं उनकी भी इताअत करने का कुरान ने भी हुक्म दिया है, मिसाल के तौर पर अगर हमने अपने लेवल पर अपनी सतह पर एक अमीर मुंतखब कर लिया है, और अच्छी बात है अगर हम छोटे पैमाने पर, अगर बड़े पैमाने पर कोई अमीर नहीं हो रहा है तो हम छोटे पैमाने पर अमीर मुकर्रर कर लें, अच्छी बात है कि हम कोई ऐसी शख्सियत है जो काबिले तकलीद है, जामे शख्सियत है तो उसको अमीर बना, तो उसकी बात फिर मानना चाहिए। अगर मस्जिद का मुतवल्ली है तो मस्जिद के निज़ाम के तहत फिर इताअत करना चाहिए, जमात है, तंजीम है, तहरीक है, तो अगर उसका कोई अमीर है और जो उस तहरीक से वाबस्ता है या उस तंजीम से वाबस्ता है या उस जमात से वाबस्ता है, तो
तो फिर उसको उस निजाम के तहत जो वो हुक्म दे उसकी इताअत करना चाहिए। कुरान और हदीस में ये बात ताकीद के साथ बयान की गई है। तो बहरहाल यहाँ खलीफा मुराद है, लेकिन अगर दूसरे उमारा हो उनकी भी इताअत का कुरान और हदीस में इशारा है। फिर आपने एक और बात इरशाद फरमाई कि आइंदा मेरे बाद धीरे धीरे जब जमाना आगे बढ़ेगा तो इख्तिलाफात पैदा होंगे। इख्तिलाफात आप देख लीजिए कितना इख्तिलाफ हुआ बाद में भी, हजरत अली रजी अल्लाह अनु की जिंदगी में, हजरत उस्मान की शहादत के बाद, फिर खवारिज पैदा हो गए, मोतजिला पैदा हो गए, कितने फिरके पैदा हो गए, आज भी कितने फिरके हैं। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम्हें ऐसा इख्तिलाफ नजर आए तो तुम क्या करोगे। फरमाया था कि मेरी सुन्नत पर अमल करना और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत से मेरी सुन्नत समझना। नए मामलात जो पैदा होंगे उन उनमें ना मुबतला होंगे, क्योंकि वो बिदात गुमराही होती है। बिदात किसको कहते हैं? जो ऐसी चीज जारी कर ली जाती है इसका शरीयत में कोई इशारा नहीं है, कोई उसूल शरीयत ने नहीं दिए हैं, वो बिदात कहलाती है। शरीयत की दलील जिसमें नहीं है वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? बिदात कहलाती हैं। जो हुजूर ने नहीं किया है, ना खुलाफाए राशिदीन ने किया है, ना उनकी तालीमात में कोई ऐसी दलील मिलती है कि जिससे वो चीज सही मालूम हो, वो बिदात कहलाती। तो बिदात वो गुमराही आपने बताई कि उससे गुरेज करना। तो अगर हम देखें तो हम बहुत सारी बिदात खुराफात में मुबतला है, हम बहुत सारी बिदात में मुबतला है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई है हमको और जो पैदा हो गई है। बहुत अगर आप गौर करेंगे तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। मिसाल के तौर पर ताजियदारी है, तो इसका इस्लाम में कोई वो नहीं है, कोई असल कोई सबूत नहीं है, बल्कि उसमें जो जो बातें कही जाती हैं वो तो शिर्क तक पहुंचती हैं, शिर्क तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो है ताज़ियदारी, इसी तरीके से मुख्तलिफ महीनों में जो हमने रस्म व रिवाज बना लिए हैं और उनको दीन समझा जाने लगा है, दीन यही बिदात कहलाती है। तो रजब के महीने में 13 तेजी का कौन सा महीना होता है, 11वीं का महीना होता है, तो अलग अलग फिर उसकी खास पाबंदी होती है। मरने के बाद जो खास रस्में हैं जिनको दीन समझा जाता है, तो ये सारी चीजें दीन में है ही नहीं, दीन में नहीं है वो चीजें, तो वही बिदात कहलाती हैं। तो आप उसमें कुरान में देखिए कोई दलील है ताज़िए की? कोई हुजूर ने कभी ताज़िया बनाया, खुलफाए राशिदीन ने बनाया? तो ऐसा नहीं मिलता है। या 11वीं शरीफ हुजूर ने फरमाई बनाई? तो ऐसा नहीं है। तो इसी तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर पाई जाती है। बिदात में क्या होता है कि वो जमाने की पैदावार होती है, इलाके की पैदावार होती है। दीन क्या है? आलमी है दीन, क्योंकि हुजूर ने फरमाया हुजूर का दीन आलमी है। तो जो आलमी चीजें हैं और जो कुरान और हदीस की है वो पूरी दुनिया में, नमाज आपको पूरी दुनिया में मिलेगी, रोजा पूरी दुनिया में, हज पूरी दुनिया में, और ये ताजियदारी कहीं है कहीं नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में है और सऊदीया में नहीं। और भी हम बहुत सारे विदात क्या होती है? वो इलाके की पैदावार होती है, खानदानी बिदात होती है। हमारे खानदान में ये चीज राइज इलाके में होती है, कहीं इलाके में ये चीज होती है कि अरे हमारे यहाँ तो ये होता है,
दीन तो इलाकाई थोड़ी है, तो दीन इलाकाई नहीं है, फिर आपके खानदान में कहां से आ गई, आपके इलाके में कहां से हो गई, वहां तो होता नहीं, दीन तो वहां भी मौजूद है। तो ये चीजें सही नहीं, हमें इनसे गुरेज करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए साफ था। और इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे तो बाप दादा करते, बाप दादा करना कोई दलील नहीं। कुरान शरीफ में साफ साफ आया है कि वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु इला रसूल, जब उनसे कहा जाता है आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसको मानो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, तो वो कहते हैं हसबुना मा वजदना अलैहि, हमारे लिए तो वही काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को अवलौ कान आबाहु ला यालमून शैअ वला यहतदून, क्या उनके बाप दादा अगर कुछ नहीं जानते थे और वो सही रास्ते पर नहीं थे तब भी उन्हीं की बात माने। तो बाप दादाओं का करना ये कोई दलील नहीं होता है, क्योंकि आप बाप दादाओं के बाप दादा को देखिए वो करते थे क्या, हाँ वो भी करते थे, और फिर उनके भी बाप देख लीजिए तो करते थे, फिर आगे चल करके बाप दादा जो मिलेंगे वहां पता चलेगा अच्छा यहाँ ये नहीं करते, तो उनको देख लो ना, करीबी बाप दादाओं को देख लो। तो हमारे असली बाप दादा तो और पुराने हैं ना दीन में, तो जब हमारे आबाओ अजदाद पुराने वालों की ज्यादा तकलीफ करना चाहिए, तो इसलिए बिदआत से परहेज करना चाहिए साफ बिल्कुल। कुछ कुछ होता नहीं है उससे, कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। शबे बारात का हलवा बनाना ही वो मान लिया है दीन, अब हलवा बनाना शबे बारात पे कहाँ से दीन हो जाएगा, उसके लिए किस्सा घड़ा। तो पुला साहब थे, उनके दांत टूट गए थे तो वो हलवा खाते थे, तो इसलिए हलवा बनाने लगे, हलवा खाया था उन्होंने, दांत टूट गए थे उससे क्या हुआ, तो उसका दीन से क्या ताल्लुक है। शाबान की 15वीं तारीख की फजीलत है रात की, ये रात में अल्लाह ताला की खास तजलियात होती है, तो आप इंफरादी तौर पर उसमें शाबान की रात में इबादत कर लीजिए, दुआएं कर लीजिए, वो तो ठीक है, वो तो हदीस में आया है, लेकिन बाकी तो कुछ नहीं, वो तो लैलतुल कद्र में आया है, लैलतुल कद्र में उसमें भी अल्लाह ताला की खास तजलियात होती है, उसको तो कुरान में आया है, तो इसलिए अब यही आप देख लीजिए जुमातुल वदा समझते हैं हमारे, जुमातुल वदा क्या चीज होती है, ठीक है आखिरी जुमा है वो तो होगा ही सिर्फ कोई ना कोई आखिरी जुमा, लेकिन क्या उसकी कोई खास फजीलत है जो जो दूसरे जुमे में नहीं थी वो इस जुमे को रहेगी, ऐसा तो कुछ नहीं, जैसे दूसरे जुमे थे वैसे ये जुमा है। लोग कहते हैं जुमेरात का रोजा रख लो, आज आज जुमेरात है, आज जुमा है, तो वो भी फर्ज है ये भी फर्ज है, फर्ज होने में तो कोई फर्क नहीं, जुमेरात का रोजा फर्ज है क्या कोई ज्यादा उसकी खसूसियत है, ऐसा नहीं, सारे रोजे फर्ज है। तो ये तो बातें ऐसी हैं जो अकल में भी नहीं आती, लेकिन उसको हमारे यहाँ खास तरजीहात हासिल हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गैर रमजान में, पीर और जुमेरात का रोजा रखना मुस्तहब है, कि और रमजान के अलावा नफली रोजे कि भाई हम और दिन में ना रखें सिर्फ पीर और जुमेरात को रख लें ये तो आया है, लेकिन रमजान में तो 30 रोजे फर्ज है, 29 रोजे फर्ज है जितने का चांद होगा वो, तो उसमें कोई खसूसियत नहीं है जुमेरात की, जुमे की या पीर की, वो जो गैर रमजान में है खसूसियत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन को खास तौर से तरजीह देते थे रोजा रखने में, नफली रोजा रखने में। तो अगर आप पूछेंगे तो मालूम होगा कि ये भी बिदअत है क्या, ये भी बिदअत है क्या। तो जो साफ साफ जो दीन में जो चीज है उसको मानना चाहिए, और जो दीन से ताल्लुक नहीं रखती है उसको मानने की कोई जरूरत नहीं, इतनी पाबंदियों की क्या जरूरत है, और जबकि जरूरत नहीं है और फिर गुनाह का बाइस भी हो जाए,
गुनाह का बाइस हो जाए हमारे लिए। तो इसलिए कि बिदात क्या कहती है, गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को नाकिस छोड़ा था, अधूरा था, तो हमने ये पूरा कर दिया ये सारी चीजें ला करके। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोड़ा था वो आधा दीन था? अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया था कि हमने दीन मुकम्मल कर दिया है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो चीज नहीं मिलती थी, इसका मतलब वो दीन में नहीं है जो आप पूरा करना चाह रहे हैं। तो मतलब बिदात बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ होती है। बिदात का मानना यह है कि वो दीन अधूरा था तो अब पूरा किया जा रहा है इनके जरिए से। तो ऐसा तो नहीं है, इनके बगैर जब दीन में हुजूर ने नहीं बताई थी ये चीजें तब दीन मुकम्मल था, वही मुकम्मल है। अब मुकम्मल में अगर कोई चीज मिलाओगे तो रेशम के कपड़े में टाट का पैवंद होगा, वो रेशम के कपड़े में टाट का पैवंद होगा, वो मुकम्मल नहीं होगा, वो और कमी हो जाएगी और कसूर हो जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसमें फरमाया कि नए नए मामलात से बचना, क्योंकि तो वो बिदात है, वो बिदात गुमराही होती है, तो गुमराहियों से हमें बचना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। असल इल्म रोशनी है, तो इल्म हासिल करने से अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله